हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो मीडियम साइज़ के आलू को उबालकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आलू के ठंडा होने के बाद आलू को छीलकर हम इसे मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आलू को मैश करने की जगह ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम मैश किए हुए आलू को मिक्सी के छोटे जार में डालेंगे और 40 से 50 सेकेंड के लिए मिक्सी को चलाकर आलू का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आलू का पेस्ट बनकर तैयार है, तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक चीज क्यूब, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इसे बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम या आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे आटे के जैसे ज़्यादा देर तक नहीं गूंदना है, बस सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे इस प्रकार के एक प्लास्टिक बैग में डालेंगे और अब हम इसे बेलन की सहायता से फैलाकर सेट करेंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला रखते हुए नहीं फैलाना है। अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। 15 से 20 मिनट बाद फ्रीजर से हमने इसे निकाल लिया है। अब हम प्लास्टिक बैग को चाकू या कैंची की सहायता से दोनों साइड से काट लेंगे। और अब हम इस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे ताकि काटते समय ये चिपके नहीं। चाकू पर भी हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाया है। अब हम इसे बीच में से पहले दो बराबर भागों में काटेंगे और अब हम इसे पतला और लंबा लंबा काट लेंगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। काटने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये नाश्ता आप आलू, कॉर्नफ्लोर और नमक डालकर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म ये नाश्ता आप मेयोनीज या सॉस के साथ बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।